सहारनपुर पुलिस द्वारा खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के मुंशी नसीम के विरुद्ध कुर्की की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गैंग लीडर हाजी इकबाल उर्फ बाला व 6 अन्य गैंग सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 9 अप्रैल 2022 को थाना मिर्जापुर पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें लकड़ी चोरी और तस्करी, अवैध रूप से खनन कारोबार और दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमका कर धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें बेचे जाने के सबूत मिले हैं, जिसकी कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए है। अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को सरकार द्वारा कुर्क कर लिया गया है। देखिए, मुकदमा अपराध संख्या 83/22 2/3 गैंगस्टर एक्ट, जो कि थाना मिर्जापुर में पंजीकृत थी। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार, जो इकबाल बाला गैंग का सक्रिय सदस्य था, इसने अपराध करके अवैध रूप से लगभग 300 बीघे संपत्ति अर्जित की हुई थी थाना मिर्जापुर क्षेत्र में। आज दिनांक 1 मई को इसी संपत्ति की विधिक रूप से जब्ती करने की कार्रवाई धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। इस संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये है और आज विभिन्न जो ये ग्राम हैं जिनके अंतर्गत ये संपत्ति है, इसकी जब्ती करने की कार्रवाई हो रही है।